जोतो को जोहार आर तीन एकान दिन रे बहुत चाचा परचा चला गना जयराम महतोवा आर नुआ गामछा बारे थे आर बहुत दुखी बुझोदा कि अबो सांताड़ ताहे कते बावजूद अबो मीटे सोच आर विचार विमर्श पाबन दाड़े गना सोच विचार अगर बेस बन सोचावा में इनका बेस हुई हुआ बड़ी हम सोचा का बड़ी हुई हुआ अगर जहाना बानो बामिट कहावत को रोल रहा मानो तो देवता ना मानो तो पत्थर तो जो तो क्योंकि आप ही बड़ा छोपे हैं और सबसे पहले तो हम इतना कहेंगे कि पूरा आदिवासी मेरा संथाल भाई लोगों को पूरा झारखंड में जो भी लोग नेता के दूसरे पार्टी के लोग मुद्दा उठा रहे हैं और एक टाइगर जयराम महतो का एक गमछी के लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा रहा है, ठीक है मिस्टेक से हो गया है, बहुत दुख की बात है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा जब हम लोग आदिवासियों के साथ जब अत्याचार होता है, जमीन लूटा जाता है, किसी के साथ पीसीआर, देखिए गोला में कल दो दिन पहले की ही बात है, पीसीआर गोला में जो हुआ घटना घटा जो रात में एक आदिवासी के साथ, उसमें कितना आदिवासी कितना वो पूरा झारखंड के जितना नेतागण है जितना प्रमुख गण है उन लोग कितना आदिवासी के हितों में कितना बात रखे हैं, या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या बहुत लोग नेता हैं हमारे, कितना बात रखे उन लोग, हर एक बात को बहुत लोग बहुत छोटा दिखाने के लिए, एक दूसरे को छोटा दिखाने के अपने आप सोचता है कि नहीं इसको गिराना ही गिराना है, लेकिन एक आदिवासी के साथ जो घटना घटता है तो कितना आदिवासी लोग साथ दिया, पूरा पूरा झारखंड का बात करें, जो लोग अपना एक एजेंडा लेके अपना कोई पार्टी के लेकर एक बताइए कितना संथाल लोगों को कितना साथ दिया, जब गमछा का बात आया तो इतना आक्रोश हो गया पूरा जयराम के प्रति, तो क्यों क्यों नहीं आक्रोश हो रहा है कि एक आदिवासी के साथ हमारे महिलाएं बेटी बहन लोग का रेप होता है, उसमें आक्रोश क्यों नहीं दिखाता है नेतागण लोग, अपना राष्ट्र अध्यक्ष अपने आप समझ रहे हैं कि नहीं हम बहुत अच्छा बात को रखें, या पूरा आदिवासी को हम कहना चाहते हैं, या संथाल भाई लोगों को कहना, पूरा नहीं कहना चाहते, जो लोग मुद्दा उठा रहे हैं उन लोगों को कहना चाह रहे हैं कि आप हर चीज उठा रहे मुद्दा, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कभी इस चीज को ध्यान में देखिए कि हमारा आदिवासी के साथ अत्याचार हो रहा है, उन लोग के साथ रेप हो रहा है, पेटवार में ही 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, कितना लोग मुद्दा उठाया, इसमें कोई विचार विमर्श करने वाला नहीं है, लोग सिर्फ छोटा मोटा दिखाई देता है लोगों की, नहीं इसमें वो है ये है वो है, आप लोग को हर चीज को परखना आता है कि नहीं ये चीज गलत हुआ, लेकिन उस चीज को अपना आदिवासी भाई अपना संथाल भाई लोग के साथ घटना घटता है, एक अपना संथाल भाई लोग एक रेप होती है, दुमका पाकुड़ के छत्तीस लोग के शादीशुदा होता है, उन लोगों प्रति क्यों नहीं आवाज उठाता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग और जेएमएम के नेता लोग और बहुत सारे पार्टी के लोग, आज छोटा मोटा क्या मिस्टेक से होगी गलती, अरे अपना गलती फिर भी स्वीकार किया टाइगर जयराम मातो, ये तो एक गमछा है हम लोग कहीं भी लेपट के चले जाते हैं, तीर्थनाथ आकाश क्या है वो अपना गमछा पूरा लेपट का, ये तो सरना है भाई, क्यों रखा है उसमें बढ़ती क्यों नहीं विरोध कर रहा है लोग, तीर्थनाथ आकाश एक यूट्यूबर है उसका क्यों नहीं विरोध कर रहा है लोग, हर किसी का किसी को गिराने में लगे हुए लोग, अरे झारखंड के हित में बात करता है क्या, वो क्या गलती हुआ, वो तो बोल रहा है मिस्टेक से हुआ है भाई, 6 घंटा 7 घंटा इस तरह भाषण होता है कभी कभी उसका, 50 मिनट 1 घंटा इस तरह का भाषण होता है, तो इस चीज में वो मिस्टेक से नहीं देख पाया, उस गलती तो हुआ है, वो अपना क्षमा भी मांगा, लेकिन जब अपना आदिवासी के साथ जमीन लूटा जाता है उसमें क्यों नहीं खड़ा होता अपना आदिवासी लोग भाई लोग, कहते तो बहुत कुछ है, हर जगह आंदोलन अभी पुतला दहन हो रहा है, चलो ठीक है वो भी हुआ, लेकिन हमको ये बताइए ना भाई लोग, मेरे संथाली भाई लोग, कि जब हमारे बहन लोग बेटियों लोग के साथ जब अत्याचार होता है उस समय आप लोग क्यों नहीं खड़ा रहते हैं, आप लोग गोला में जो गोला क्षेत्र में आते हैं वो दो हमारे भाई दोनों हेमरोम भाई, वो दोनों का मृत्यु हो गया, कितना भाई हमारे बंधु लोग आए हैं और कितना हमारे पार्टी के लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या कोई दूसरा लोग कितना भी पार्टी के लोग हैं उन लोग आके कितना समर्थन किए, कितना बार उन लोग मौजा का बात किए,
ये सोचने की बात है, चिंता की चिंताजनक है ये चीज का। हम लोग कितना हम लोग अपना चीज में नहीं लड़ाई नहीं उतना आक्रोश नहीं दिखाते हैं, बल्कि दूसरे दूसरे के माध्यम में हम लोग आक्रोश दिखाते हैं। हम लोग को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। चलो भाई गलती होता है, वो अपना गलती स्वीकार किया, लेकिन हम लोग को समझना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम लोग संथाली भाई लोग को इतना अत्याचार हो, जगह जगह में अत्याचार हो रहा है, उन लोग पर तो हम लोग खड़ा रहना चाहिए, लेकिन हम लोग खड़ा नहीं हो पाते। क्यों? बड़ा बड़ा नेता लोग आते हैं, अपना दिखावा सिर्फ। अरे हम तभी आप लोग को मानेंगे, संथाली जितने भी हमारे नेतागण हैं तभी आप लोग को अच्छा मानेंगे। जब किसी के बहू बेटियों के साथ अत्याचार होता है तब हम मानेंगे कि हाँ आप लोग सही ढंग से काम करें, आपके साथ हम भी खड़ा रहेंगे। सिर्फ छोटा मोटा मुद्दा को लेकर आप लोग पूरा झारखंड को इसी तरह और नीचे चलते गया, लेकिन कोई उद्धार नहीं हो रहा पा रहा है झारखंड। कितना सोचने की बात है। हमारे संथाल भाई लोग को हम यही कहेंगे, आप लोग यही मेरा संदेश है कि एक नया सोच रखिए। हम लोग अच्छा सोचेंगे, अच्छा विचार करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे झारखंड के हितों के लिए, अपना भाई बंधु बहन बेटियों के हम लोग बचाव कर सकते, उसके प्रति आवाज उठाइए। बहुत लोग है तीर्थनाथ आकाश का फोटो वायरल हो रहा है, उसमें हम लोग क्यों नहीं आवाज उठा रहे? वो एक हम भी गमछा पकड़े हुए हैं, अगर किसी तरह कोई गमछी लेपड़ता अपना नहाने धोने समय, उसमें आवाज, उसमें ये भी तो झंडा के मध्यम है, इसको नहीं रखना चाहिए कहीं बाथरूम कहीं नहाने धोने समय इसको यूज नहीं करना चाहिए। इसको एक झंडा झंडा की तरह इसको मानना चाहिए। हम चाहते हैं कि अगर हम लोग अगर किसी का आवाज उठाते हैं, किसी का हम साथ दे रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग को पहले अपना आदिवासी संथाल भाई लोग जो अत्याचार हो रहा है उन लोगों पर हम खड़ा रहने के लिए, हम अगर हम सच्चा में हैं तब किसी के प्रति आप आवाज उठाइए। कितना लोग नेता लोग हमको बताइए ना, पेटवार में जो बार बार हम इस चीज को दोहरा रहे हैं, पेटवार में उससे पहले कुछ दिन पहले पांच छह सात साल हो गया, उसमें गोला में हुआ था कांड, चितरपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ रेप हुआ था, बताइए कितना लोग आवाज उठाया, कितना लोग हमारे मंत्री संतरी आए आदिवासी लोग। लोगों को समझना चाहिए। हमारे संथाल भाई लोग बहुत लोग बोल देते हैं, बहुत लोग कह देते हैं, बहुत लोग ये है वो है, हम लोग को समझना चाहिए कि आप दुमका चले जाइए, संथाल परगना चले जाइए, वहां पे साथ कितना अत्याचार हुआ, उसमें कितना लोग हमारे आदिवासी लोग भाई हर एक नेतागण का वहां विरोध किया, एक दूसरे के शादी ब्याह, दूसरे बांग्लादेश से घुसपैठी करके शादी ब्याह रचा रहा है, जमीन लूटा जा रहा है, उसमें कितना आदमी हमारे संथाल भाई लोग उठाया आवाज। नहीं ठीक है, आवाज उठाइए, कोई दिक्कत नहीं हमको, लेकिन सही चीज के लिए आवाज उठाइए, अपना आदिवासी अपना संथाल भाई लोग के लिए आवाज उठाइए, ताकि उसको इंसाफ मिल सके, न्याय मिल सके। बदले में क्या मिलता है उसको? सिर्फ बदले में क्या, सिर्फ उसको एक कल परसों जो घटना घटा, हमारे विनोद किस्कू जी जेएमएम के नेतागण चावल पहुंचा रहे हैं, बताइए वो भाई बड़ा बड़ा मंत्री संतरी लोगों के लिए लाखों रुपए का मुआवजा दिला रहे हैं, 15 लाख 12 लाख, लेकिन आदिवासी संथाल भाई लोग क्या दिला रहे हैं? इसमें सोचने विचार करने का भाई लोग, हमारे संथाली भाई लोग आप लोग से यही विनती करेंगे, कुछ हम लोग नया सोचेंगे कि हम लोग आदिवासी संथाल भाई लोग के हम लोग एकता क्यों नहीं हो पा रहे हैं, हम लोग संथाल भाई लोग क्यों उतना उन लोग के प्रति हम लोग खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। और जब छोटा मोटा हो जाते हैं उसमें हम लोग बवाल कर देंगे, पुतला दहन करते हैं, तो बताइए ना हमको कितना उस संथाल हमारे छोटी से 8 साल की बच्ची बेचारी उसका रेप हुआ, कुछ दिन 1 साल भी नहीं हुआ है, बेचारी उसका रेप हुआ, उसका कौन मतलब का कौन इंसाफ दिलाया उसको? इसमें सोचने की बात है। हम लोग हर बात को एक छोटा मोटा चीज में हम लोग अपना ही कर देते हैं, आक्रोश दिखाते हैं, लेकिन कभी नहीं दिखाते हम लोग कि आक्रोश हमको दिखाना चाहिए। एक बच्ची 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, उसमें कोई आवाज नहीं उठाता है, जब बोलते हैं तो सावन बोलता है, ये बोलता है। आप लोग सोचिए, अपना विचार से मन से ढूंढिए, वाकई में गलती कहां से है हम लोग का। हम जितना इतना ही बोलेंगे संथाली भाई लोग कि अपना एकजुटता सही चीज के लिए दिखाइए, और आक्रोश तभी दिखाइए
जो हम लोग के लिए बहन बेटियों को अत्याचार करता है, जो लोग उन लोग बढ़ते दिखाइए। जमीन लूटा जाता है किसी का, उसमें अत्याचार दिखाइए, उसमें आप आक्रोश दिखाइए। बाहरी लोग हमारा जगह जगह में कोयला खदान खोल दी, मतलब अपना बिजनेस चला रहा, और हम लोग को जब थोड़ा मोड़ा कोयला ले जाते हैं तो उसमें हम लोग को लाठी चार्ज करते हैं। हमारे बिहारी बिहार से आए हुए, चाहे यूपी से, जो भी दूसरा दूसरा स्टेट से आए हुए हमारे यहाँ के पुलिस बन जाते हैं, उन हम लोग पर अत्याचार करता है, हम लोग बहन बेटियों पे लाठी चार्ज होता है। उसमें कितना लोग हमारे संथाल भाई लोग खड़ा होते हैं। हम यही कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इस वीडियो को, और हमारे संथाली भाई लोग को समझ में आए कि वाकई में सच क्या है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो मेरा विरोध कीजिए, गलत बोल रहे हैं तो सही बोल रहे, तो इस चीज को शेयर कीजिए। पता होना चाहिए हर एक आदिवासी को, समझना होगा हम लोग को कब और किस समय क्या मुद्दा उठाना हम लोग को। हमको तभी दिखाइए आक्रोश जब एक सही सच्चाई चीज लड़िए, तब हमको आक्रोश दिखाइए हम लोगों को। हम भी आपके साथ खड़ा है दादा। हम इतने ही बोलते हैं दादा कि आप लोग कम से कम इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे संथाली भाई लोग अगर किसी तरह चोट पहुंचा है एक गमछी की वजह से, हम लोग का जो सारना का जो झंडा टाइप हम लोग का जो कलर है उसके तरह से अगर किसी तरह अगर चोट पहुंचा है, तो हम टाइगर जयराम महतो के तरफ से हम अपना माफी मांगते हैं कि गलती हुआ है मिस्टेक से। लेकिन आक्रोश उसी समय दिखाइए जब जब हमारे संथाली भाई बंधु बहन बेटियों पे अत्याचार हो, तब आक्रोश दिखाइए, तब हम कहेंगे हाँ कि आदिवासी एकता है और आप एक नेतागण है, उसके प्रति आप खड़ा है। तो इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। जोहार साथियों।